हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आज हम बात करने वाले हैं स्कैंडिड सी एल वजाइनल सुपोस्ट्रीज के बारे में। तो गाइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे किन किन प्रॉब्लम्स में वुमेन्स इस सुपोस्ट्रीज को यूज कर सकती हैं, और क्या वाकई में ही वजाइनल सुपोस्ट्रीज यूज करने से वजाइना की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो ये इन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। इस सुपोस्ट्रीज को यूज करने से आपकी बॉडी पर क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और इस सुपोस्ट्रीज को कब यूज नहीं करना चाहिए। तो गाइज, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइज, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, इसमें एक स्ट्रिप में 3 वजाइनल सुपोस्ट्रीज होती है, जिन 3 सुपोस्ट्रीज का प्राइस 133 रुपीज है। कैंडिड सीएल ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का बनाया हुआ ब्रांड है, और इसके अंदर क्लिंडामाइसिन 100 mg, क्लोट्रिमाजोल 200 mg होता है। तो गाइज, चलिए अब इसको ओपन करके देख लेते हैं जल्दी से, इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो गाइज, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसके अंदर हमें 3 कैप्सूल्स मिलते हैं, 1, 2, 3, और ये आप पीछे भी देख पा रहे होंगे, इसमें कैंडिड सीएल लिखा हुआ है, और इसका प्राइस भी मैंने आपको भी दिखाया था, 133 रुपीज़ है। तो गाइज, सबसे पहले हम बात करते हैं ये प्रॉब्लम्स अक्सर वुमेन्स को क्यों होती है और कैसे होती है। वुमेन्स में वजाइनिटीज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हर साल इससे लाखों वुमेन्स परेशान रहती हैं। इस बारे में तो किसी से वो खुलकर बात भी नहीं कर पाती हैं और सही ट्रीटमेंट भी नहीं ले पाती हैं। रियलिटी में यह इन्फेक्शन रिप्रोडक्शन के टाइम ज़्यादा से ज़्यादा होता है। हार्मोन लेवल के कंटिन्यूस घटने बढ़ने, बैक्टीरियल या सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से वजाइनल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती रहती है। तो गाइज, अब इसके यूजेस के बारे में बात करें तो इस कैप्सूल को आप किन किन प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं। वुमेन्स इस कैप्सूल को वजाइनल में स्वेलिंग की प्रॉब्लम में यूज कर सकती है, वजाइनल में ईस्ट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम में यूज कर सकती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन मतलब कि वजाइना में इचिंग होना, वजाइना में फंगल इन्फेक्शन, पेन होना, रेड रैशेज या दाने होना और वाइट डिस्चार्ज होना, आप इन सब प्रॉब्लम्स में इस कैप्सूल को इजीली यूज कर सकते हैं। बात करते हैं सुपोस्ट्रीज के साइड इफेक्ट्स के बारे में। इस सुपोस्ट्रीज को यूज करने से आपकी बॉडी पर क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकता है। आपको इचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, जलन भी हो सकती है, स्किन रैशेज की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको गैस बन सकती है और वोमिटिंग भी हो सकती है। बस ये कुछ इसके ना के बराबर साइड इफेक्ट्स होते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रिकॉशंस के बारे में, इसको कब यूज नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर आपको ड्रग एलर्जी हो, मतलब कि इस सुपोस्ट्रीज में दिए गए सॉल्ट से एलर्जी होना, लीवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आप प्रेग्नेंट हो, फीडिंग कराते हो और हाई बीपी हो, अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज इस कैप्सूल का यूज ना करें। पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, फिर इस कैप्सूल को यूज करें। बात करते हैं इस सुपोस्ट्रीज के डोजेस के बारे में। तो इसको यूज करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, वुमेन्स इस सुपोस्ट्रीज को नाइट में सोते टाइम वजाइना में इंसर्ट कर सकती है, और इस सुपोस्ट्रीज को ओनली वंस अ डे इंसर्ट करना होता है। इसका जो कोर्स होता है डेली 3 डेज तक का होता है। इस सुपोस्ट्रीज की हेल्प से आपको बहुत जल्दी वजाइनल प्रॉब्लम में सुधार देखने को मिलेगा। इस सुपोस्ट्रीज का ज्यादा यूज ना करें, जितना आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उतना ही इस सुपोस्ट्रीज को यूज करें, और बच्चों से इस सुपोस्ट्रीज को दूर रखें। अगर आपको इस सुपोस्ट्रीज से रिलेटेड अभी भी कोई भी डाउट है तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हैं। कैंडिड सी एल सुपोस्ट्रीज के बारे में यह आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर बहुत आसानी से मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको किसी भी पॉइंट पे अच्छी लगी हो तो, या फिर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।